महाराष्ट्र में वर्धा जिले के देवली में इन दिनों किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं। क्षेत्र में पिछले हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कपास सहित सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण खेत में लगी कपास की फसल सड़ने लगी है। इस वजह से किसान परेशान है और चिंता में है कि लागत निकल भी पाएगी या नहीं। कपास की फसल खराब हो जाने से उत्पादन पर व्यापक असर पड़ने की भी संभावना जताई गई है। वर्धा जिले के एक किसान से मिली जानकारी के अनुसार, हमेशा एक किसान योजना तैयार करता है कि उसके खेत से कितना उत्पादन प्राप्त होगा और इसकी लागत कितनी होगी, लेकिन इस साल इसका उल्टा ही हुआ। इस साल शुरुआत में बारिश समय पर हुई, इस वजह से किसानों ने अपने खेतों में बुआई कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि इस साल अच्छी बारिश होने से पैदावार भी अच्छी ही रहेगी। शुरुआती बारिश के बाद एक सूखे का दौर चला, लेकिन दोबारा जब बारिश ने रफ्तार पकड़ी तो लगातार ही अत्यधिक वर्षा की गतिविधियों का दौर जारी रहा। अब कपास के बोंड सड़ने लगे हैं और फसल लाल पड़ रही है। सिर्फ बारिश ही किसानों की चिंता नहीं बढ़ा रही है, बल्कि अब कई तरह के रोग कपास की फसल में लग गए हैं। जो किसान शुरुआती अच्छी बारिश से बंपर पैदावार की उम्मीद में बैठे थे, अब उन्हें लागत की भी चिंता सताने लगी है। क्षेत्र के किसान अब सरकार की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। उनकी मांग है कि खेत में लगी फसल के बर्बाद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे। किसानों का कहना है कि हमारी पूरी की पूरी मेहनत और पूंजी अब बर्बादी की कगार पर है। अगर हमें सरकार से मदद नहीं मिली तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।